देखिए, जो आज मेयर का चुनाव हुआ है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ में, उस चुनाव के लिए आई वाज अपॉइंटेड एज ए प्रेजिडिंग ऑफिसर फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और इस चुनाव को करवाने के लिए मेरी जिम्मेवारी थी, और ये चुनाव सुबह शुरू हुआ। पूरा इलेक्शन प्रोसेस कॉर्पोरेशन का जो हमारा असेंबली हॉल है वहाँ शुरू हुआ, और मैंने पूरे इलेक्शन प्रोसेस में जितने भी पार्षद थे हमारे मेंबर पार्लियामेंट सबको मैंने एड्रेस किया इलेक्शन प्रोसेस शुरू होने से पहले कि हम ये चुनाव को मिल जुल के अच्छे से फ्री एंड फेयर और बिना किसी लड़ाई झगड़े के करवाना चाहते हैं। और इलेक्शन प्रोसेस बहुत अच्छा पीसफुल चल रहा था, सबने अपने वोट अधिकार के हिसाब से हमारे 36 वोट कास्ट हुए इंक्लूडिंग एमपी का वोट, और उसमें तकरीबन कोई कुछ आप और कांग्रेस के जो पार्षद थे उनको जब हम अपने बैलेट पेपर इश्यू कर रहे थे तो वो बड़े उसमें सीरियसली उसको कंसर्न थे कि कहीं स्पॉट है कुछ है, तो अराउंड 11 बैलेट पेपर्स थे जो जिन पे उन्होंने कहा कि जी ये चेंज कर दीजिए, और आई ऑनर देयर रिक्वेस्ट एंड बड़ा अच्छे ढंग से मैंने उनकी बात को सुना, और 11 के 11 मेरे ख्याल से बैलेट पेपर्स पे जिनको उनको कुछ थोड़ी आपत्ति थी वो मैंने बैलेट पेपर्स उनको रख दिए साइड पर और न्यू बैलेट पेपर इश्यू करे, और सब कुछ अच्छे ढंग से चल रहा था। इलेक्शन प्रोसेस जब वोटिंग कास्ट हो गया उसके बाद वोट ऑफ काउंटिंग शुरू हुआ। काउंटिंग ऑफ वोट्स के प्रक्रिया में मैंने जब सारा वो वोटिंग काउंट कर लिया तो उसमें आई वॉज अबाउट टू डिक्लेयर द रिजल्ट एज पर द प्रोसेस एज पर द बायलॉज एंड एक्ट, तो उसमें जब मैं अनाउंस करने लगा तो मेरे अनाउंस करते ही जो जैसे मैंने रिजल्ट अनाउंस किया भाजपा के जो कैंडिडेट थे मनोज सोनकर उनको 16 वोट पड़े थे, और जो आपके कैंडिडेट थे कुलदीप उनको 12 वोट पड़े थे, और 8 वोट जो जिनपे इनवेलिड था। तो मैंने जब रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया तो उस दौरान उसके बाद मैंने इमीडिएटली जो इनके पोलिंग एजेंट थे अपना भाजपा के सौरभ जोशी जी और जो आप पार्टी के और कांग्रेस के जो कॉम्बाइंड कैंडिडेट थे उनके जो पोलिंग एजेंट थे योगेश ढिंगरा जी उनको रिक्वेस्ट करी कि आप आगे आकर ये सारा बैलेट पेपर चेक कर लीजिए, लेकिन वो बैलेट पेपर तो चेक करने की बजाय उनके जो आपके काउंसलर को एक मनोहर प्रेमलता और कुछ कांग्रेस के काउंसलर्स ऑल इन ए सडन विद इन सेकेंड्स जंप कर गए मेरे पूरा उस प्रोसेस को डिस्टर्ब करने के लिए, और उन्होंने आके बैलेट पेपर पे कब्जा कर लिया, बैलेट पेपर को फाड़ा, और चंडीगढ़ पुलिस के जो मार्शल डेप्यूटेट थे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो उन्होंने इंटरवीन कर वो बैलेट पेपर उनसे छुटवाए। इस बैलेट पेपर को छुटवाने के पूरी प्रक्रिया में कुछ बैलेट पेपर फट भी गए, तो दिस इज टोटली व्हाट दे आर क्लेमिंग। पूरा वीडियोग्राफी में लाइव टेलीकास्ट में दिख रहा है कि इलेक्शन प्रोसेस को काउंटिंग प्रोसेस को डिरेल करने के लिए आप और कांग्रेस ने एक साजिश रची, और उस पूरे सिस्टम को उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश करी। और कहीं भी आप डेमोक्रेसी में देखिए कि बैलेट पेपर पे अगर आप कब्जा करें तो ये तो हम सुना करते थे कभी वो जो बिहार में कभी गुंडा राज होता था कि वो पूरे बूथ कैप्चर कर लिए, तो ये तो आज पूरा बैलेट पेपर को कैप्चर करने आ गए थे आप और कांग्रेस के सभी पार्षद मिलकर। अगर वहां चंडीगढ़ पुलिस के मार्शल नियुक्त ना होते तो आज ये तो बैलेट पेपर फाड़ देते और लेके भाग जाते, इनको कौन पकड़ पाता। और ये पूरे इलेक्शन प्रोसेस को इन्होंने डिरेल करने के लिए हाईजैक करने के लिए ये एक आज षड्यंत्र रचा, और पूरा का पूरा जो मैं सुन रहा हूं मीडिया से कि मुझे ब्लेम कर रहे हैं, तो पूरी वीडियोग्राफी में यू कैन चेक कि हु वाज डिस्टर्बिंग द ऑल इलेक्शन प्रोसेस एंड काउंटिंग प्रोसेस। सर क्या रीजन था कि 8 इनवैलिड निकाले गए? वो जो देखिए वो जो वहां पर जो इनवैलिड जो वोट्स हैं उनपे जो उनके मार्क्स होते हैं कुछ टिक मार्क्स होते हैं वो होने नहीं चाहिए, तो वो आफ्टर वोटिंग वो पाए गए एंड वो 8 जो उनको हमने जो इनवैलिड उनको डिक्लेयर किया था। आप बता रहे थे थ्रेट को लेके कुछ कह रहे थे। जी वो मेरे बेटे का फोन आया था कि पापा वो कुछ लोग बात कर रहे हैं कि उनको फ्रेंड्स ने फोन किया कि मीडिया पे बात हो रही है इधर उधर बातें हो रही है
और मीडिया पर कुछ जो अपोजिशन लोगों के जो कार्यकर्ता हैं वो थ्रेट कर रहे हैं कि हम देख लेंगे अनिल मसीह को, जेल पहुंचवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे. सो एनीवे लोकतंत्र में सबको अपनी बात और कहने का रखने का हक है, वो आप जाएं. डेमोक्रेसी में कोर्ट्स आर अवेलेबल ऑलरेडी. ये इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस को लेके कई बार हाई कोर्ट में इन्होंने अप्रोच किया है. दे आर ओपन टू गो एनीवेयर टू अपील एनी देयर इश्यू. बट जो उन्होंने आज किया है जो इट वॉज मर्डर ऑफ द डेमोक्रेसी. दे ट्राई टू कैप्चर द एंटायर पोलिंग सिस्टम. थैंक यू. चुनाव हुआ पूरा, हाईकोर्ट ने भी डायरेक्शंस दी थी इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन. तो वो देखिए, आप सहमत हैं? देखिए जो चुनाव हुआ वीडियोग्राफी में आप देख रहे हैं, वो तो आप खुद एविडेंस आपके पास है कि कैसे हुआ है और किस तरह से हुआ है. अब इस पे जो अगर वो ब्लेम कर रहे हैं तो आप उनसे पूछिए ना कि आपको किसने हक दिया था वहां जाके बैलेट्स पेपर को कैप्चर करने का और पूरे प्रोसेस को हाईजैक करने का. वो तो चंडीगढ़ पुलिस ने उनसे सारे पेपर छुटवाए. अगर वो चंडीगढ़ पुलिस उनको बैलेट पेपर्स ना छुटवाती तो वो तो लेकर भाग गए थे और फाड़ देते. तो गलत काम तो उन्होंने किया. अगर उनको कोई आपत्ति थी तो वो आगे आते और बैलेट्स पेपर को चेक करते. और मैंने उनको इनवाइट किया कि आप आइए, बैलेट्स पेपर को आकर चेक कर सकते हैं. बैलेट्स पेपर को चेक करने के बजाय वो तो फाड़ने आ गए. उनका मनोहर और प्रेमलता ने पूरे कब्जे में ले लिए थे बैलेट पेपर. इट्स ऑल ऑन द रिकॉर्डिंग. कि रिकॉर्डिंग में दिख रहा है कि चंडीगढ़ पुलिस के मार्शल्स ने उनको छुटवाया वहां से बैलेट्स पेपर को. फिर मैंने उनको अपने कब्जे में लेकर साइन करके सीलिंग अथॉरिटी को जो भी देना था हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया. जब मेयर चुनाव खत्म हुए ना उसके बाद पंजाब के सीएम ने कॉन्फ्रेंस करा और बहुत सारे कॉन्फ्रेंस हुए. सीएम ने कहा आप को ही इनवैलिड वोट निकालने पे काफी चीजें. देखिए मैं इस पे मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा. देखिए ये तो लोकतंत्र है. कोई भी पार्टी, कोई भी ऑपोजिशन पार्टी, कोई भी पार्टी अपनी प्रतिक्रिया देती है तो उन्हें देने दो. हमें उसमें क्या लेना देना, वो उनका हक है बात करने का. ठीक.